नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। पिछले एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो कमोडिटी मार्केट के अंदर जबरदस्त मार्केट के अंदर मूवमेंट बनते हुए देखा हमने। हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो अच्छी तेजी और मंदी दोनों के ही हमने एक अपडेट बनते हुए देखे हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि कमोडिटी की जो ये मोमेंटम है वो आने वाले समय में भी कंटिन्यू चलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे क्या कारण है जो 2022 में भी इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले अगर हम पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें एमसीएक्स की, तो हमने पहले ही देखा कि बुलियन के अंदर एक अच्छी खासी तेजी के बाद सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स में हायर लेवल से गिरावट बनी। अगर हम पिछले दिवाली से 1 नवंबर तक की बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में करीबन 8.5% की गिरावट आती हुई दिखी। वहीं सोने के अंदर भी हमने करीबन 6% की गिरावट बनते हुए देखी। चांदी कहीं ना कहीं फ्लैटिश रही है, या हम बोल सकते हैं लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी है, बट ऑलमोस्ट जिस ढंग से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़े हैं यहाँ पे हमने देखा कि चांदी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है आगे भी। इन ऑल अगर हम बुलियन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछला साल हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड, या हम बोल सकते हैं अपने आप को अच्छी तेजी के बाद एडजस्ट करता हुआ दिखाई दिया। अगला साल ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि तेजी का रुख कायम रहेगा, जहां पे सोना 54,000 तक और चांदी एज ऑफ नाउ 78,000 तक का लेवल दिखा रही है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी। जिस ढंग से पैंडामिक के बाद डिमांड वापस पिकअप कर रही है, और ऑलरेडी हमने सुना है इस बार क्राइसिस जो एनर्जी के बने हुए थे जिसके चलते कहीं ना कहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी बनी। क्रूड के अंदर 100% से ज्यादा की तेजी, नेचुरल गैस में भी ऑलमोस्ट 74% की तेजी दिखाई दी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि ऊंचे एनर्जी प्राइस कोई भी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते, और पिछले 2 साल हमने देखा है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इनके लिए भी अच्छे नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ सकता है और आने वाले महीनों में हम फिर से ये दोनों के प्राइजेस में एक गिरावट, या हम बोल सकते हैं इतनी बड़ी तेजी के बाद कहीं ना कहीं एक एडजस्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो क्रूड और नेचुरल गैस में थोड़ी सी तेजी से बचे। नो डाउट विंटर में तेजी रहती है, बट अगर हम 3 से 4 महीने की अवधि की बात करें तो इतनी बड़ी तेजी अब हमें नहीं लगती कि एनर्जी में तुरंत दिखेगी। वहीं अगर हम बेस मेटल की अगर बात करें तो ओवरऑल एमसीएक्स से मेटल इंडेक्स में 33% का एक एवरेज रिटर्न हमने आते हुए देखा है। कॉपर के भाव 37% की तेजी दिखा चुका है। वहीं जिंक में 35%, निकल में करीबन 35%, लेड में 22% और एल्यूमिनियम में 38%। तो इन ऑल हम बोल सकते हैं कि पूरे बेस मेटल में 30% से ज्यादा की तेजी आती हुई देखी है। नो डाउट हम काफी बुलिश थे पूरे बेस मेटल में, बट एक चीज समझिए, कोई भी इकोनॉमी में अगर मेटल इतनी ज्यादा तेजी कर ले तो रॉ मेटल में तेजी आती तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक चाइना में विंटर ओलंपिक्स भी है, उसके पहले हो सकता है नवंबर दिसंबर मार्केट थोड़ा टाइट या फर्म रह जाए, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे वापस बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब प्रोडक्शन हायर भाव को एनकैश करने के लिए दौड़ेगी और कहीं ना कहीं ये प्राइजेस में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो बेस मेटल में भी थोड़ा बच के रहना है। हो सकता है 15-20 दिन, महीना 2 महीना मार्केट स्टेबल रहे, बट इन ऑल अगर हम 3-4 महीने की बात करें या 6 महीने की बात करें तो जो हाई हमने अब तक लगते हुए देखा है वो वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में भी 70% से ज्यादा की तेजी है, और हमें लगता है आने वाले टाइम में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और प्राइजेस कहीं ना कहीं 40,000 का भी लेवल एमसीएक्स पे, वहीं इंटरनेशनल में 140 सेंट तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। जिस ढंग से टेक्सटाइल की डिमांड में सिवियर इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉटन को सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने एक्रेजेस में भी थोड़ा ड्रॉप होते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं कॉटन मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। क्रूड पाम ऑयल में भी अच्छी तेजी देखी है 23% की, बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखेगा। बट ओवरऑल बायोफ्यूल की डिमांड बनी हुई रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट देता रहेगा, जो 1250 से 1350 का लेवल दिखा दे। अंत में मैंथा ऑयल है, मैंथा ऑयल में कंसोलिडेशन है, 980 के ऊपर ही हम 1100 के ऊपर प्राइजेस को जाते हुए देखेंगे। कुल मिला के बात करें तो एनर्जी और बेस मेटल में संभलिए, सोना चांदी तेज है और एग्री के अंदर कॉटन टॉपिक रहेगी। धन्यवाद।